अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ProPakJob.com। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में आपके साथ जनरल नॉलेज सीरीज़ का पार्ट 5 शेयर करने जा रहा हूँ। मजीद 25 एग्जाम सीक्वेंस आज किस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से छोटी सी दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में देखिए बेल के आइकन को दबाएँ और पाकिस्तान की ताज़ा तरीन जॉब अपडेट हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करते रहें www.propakjob.com। तो बात करते हैं जी आज के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास फर्स्ट है वो है जी, द मरीना ट्रेंच इज इन द ओशन। मरीना ट्रेंच किस समुंदर में है? तो वो पैसिफिक में है, और पैसिफिक जो है सबसे बड़ा समुंदर भी है। अच्छा, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के, द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? तो वो है जी मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच के आगे वो ओशन किस में है? तो वो पैसिफिक में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी, द डेप्थ ऑफ द मरीना ट्रेंच इन मीटर्स, मीटर्स में कितनी डेप्थ है जी मरीना ट्रेंच की? तो वो 10,911 मीटर। ठीक है, 10,911 मीटर। उसके बाद है जी पनामा, अ कंट्री कनेक्ट टू टू कॉन्टिनेंट। पनामा जो है वो किन दो कॉन्टिनेंट को आपस में मिलाता है? तो वो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को आपस में मिलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी, तुर्की कनेक्ट टू टू कॉन्टिनेंट एशिया एंड यूरोप। ठीक है, तुर्की जो है वो एशिया एंड यूरोप को आपस में मिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजिप्ट कनेक्ट टू कॉन्टिनेंट, तो वो जी एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, एशिया एंड अफ्रीका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द पनामा कैनाल इन पनामा इज़ द मैन मेड 77 किलोमीटर वाटर अवे दैट कनेक्ट्स, तो ये है जी अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंगेडन वैली इज लोकेटेड इन, तो ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीको आइसलैंड इज लोकेटेड इन, तो ये पुर्तगाल में है। पीको जो है वो पुर्तगाल में है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुल्तान अहमद मॉस्क इज इस्तंबुल इज इन इस्तंबुल इज पॉपुलरली नोन एज ब्लू मॉस्क, जो सुल्तान अहमद मॉस्क है वो ब्लू मॉस्क के नाम से भी मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा द ओल्डेस्ट ऑफ द ओशन सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, ये इजिप्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेक यूक्रेन दैट हैज़ कॉम्प्लिकेटेड शेप विद सेवरल शार्प बैंड एंड फोर आर्म इज लोकेटेड इन, ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द सिटी विच सिटी इज आल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ 1000 मीनारटीज। ठीक है, तो ये कायरो है। ठीक है, अच्छा, द साउथ पोल ऑफ अर्थ इज लोकेटेड इन अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द साउथ पोल ऑफ अर्थ इज लोकेटेड इन अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड इन अरेटिक क्वेश्चन। ठीक है, नॉर्थ पोल जो है वो अरेटिक में है और जो साउथ है वो अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट साउथ एंड नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, नॉर्थ पोल इज वार्मर दैन द साउथ पोल, नॉर्थ पोल इज द वार्मर दैन द साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशिनाई पेंशुलिया इज लोकेटेड इन, ये भी इजिप्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुस्ता रिक्रिका आ रोमन आर्टोकोलॉजिकल साइट वाज एन ओपन एयर म्यूजियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुस्ता रिक्रिका इज लोकेटेड इन, ये स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीना प्लेस आ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन, ये पुर्तगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द ब्रिज इन इस्तंबुल तुर्की दैट कनेक्ट एशिया एंड यूरोप इज कॉल्ड बिस्पोरज ब्रिज। ठीक है, एशिया एंड यूरोप को जो आपस में मिलाता है वो बिस्पोरज ब्रिज है। अलेक्जेंड्रा इज द सिटी ऑफ, अलेक्जेंड्रा किस मुल्क का सिटी है? तो ये इजिप्ट का, मिस्र का। अबाउट परसेंटेज ऑफ अंटार्कटिका इज कवर्ड बाई आइस, 98% जो है वो आइस के साथ ढका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज इसलैंड इज द रोज सी इज लोकेटेड इन कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी वाज, द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी वास्को डे गामा। ठीक है, तो ये व्यूअर्स थे आज के 25 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।